हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कंटिन्यू हो रहा है ये व्लॉग अब दूसरे दिन से। और ये हम लोग का रूम जो था वहाँ से ये व्यू है, स्नो पीक्स वगैरह सब दिख रही हैं। ये देखो दीदी लोग नीचे पहुँच चुकी है, मैं भी जा रहा हूँ नीचे। इन लोग की बस है, बस चूँकि ये लग चुकी है वहाँ पे। इन लोग ने टिकट पहले बुक कर लिया था यूटीसी से, तो आप लोग भी यूटीसी से टिकट बुक कर सकते हो। सीधे यहाँ से देहरादून की बस जाती है सुबह सुबह 6 बजे। तो सबसे पहले बस बुक करो, उसके बाद फिर पहले कि बस रात में बुक कर लो क्योंकि बस यहाँ पे बहुत जल्दी फुल हो जाती है। तो चलते हैं नीचे, बाकी का सब कुछ नीचे दिखाते हैं, नीचे बताते हैं। सब कुछ चेक वेक करके रूम से निकल चुके हैं। ये रूम फाइनल, बाय बाय टू दिस रूम। हो सकता है मुझे यहाँ पर फिर से आकर रुकना पड़े, जो भी होगा वो तो वाकई बंद होगी। यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। अरे मुझे तो यहीं पर रखना पड़ेगा बैग अपना, कोई मतलब नहीं वहाँ रखने का। ये था होटल हमारा, यही था रूम वाला। यहाँ से निकल चुके हैं, मैंने अपना बैग यहीं पे भी रखा दिया है क्योंकि मुझे जब गाड़ी मिलेगी तो मैं तुरंत यहीं से जाएगी, गाड़ी इसी रास्ते जाएगी, मैं यहाँ पर रोकूंगा, तुरंत बैग उठाऊंगा और तुरंत निकल जाऊंगा। तो चलते हैं दीदी लोग के पास, उनको बाय बाय करते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ से अब सीधे जाएंगी अपने घर और मैं जाऊँगा अभी आगे अपना ट्रैक कंटिन्यू करूँगा। मे बी मैं तुंगनाथ भी शायद फिर से जाऊँ, अभी कोई कन्फर्म नहीं मैं तुंगनाथ जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। अगर गाड़ी ने अभी मिल गई वहाँ पे पहुँचा दिया, वहाँ पे गाड़ी अगर नहीं मिल रही होगी तो तुंगनाथ में होके चलाऊँगा, बैग नीचे रख के कहीं पे भी। तो चलो चलते हैं आगे। आगे हम लोग बस में, बस तो फुली हो गई है, अच्छा हुआ इन लोगों ने बुक कर लिया था, अच्छा हुआ बुक कर लिया था, बस तो ना मिलती। चलो कहाँ जा रही, किधर जा रही हो? तो चल नहीं जाएगी बस, अब तो हो गया टाइम। हाँ तो पी लो, बगल में तो देखो उधर भी है चाय, इधर भी है, फुल हो गई बस। तो यहाँ पे यूटीसी से पहले बस बुक कर लेना, वही सही होगा। अरे शुरू जा, अच्छा ये लोग जा रहे हैं, बाय बाय रहते हम लोग, लेकिन इन लोगों की बस चल गई है तो जाते हैं, इन लोग को बाय बाय कर देते हैं। भाई लोग भी जा रहे हैं, चलो जाओ तुम लोग। चलो जाओ, बताना पहुंच जाना तो कॉल करना, और क्या। चलो बाय बाय, हम भी जा रहे हैं। इन लोगों को बाय कर दिया भैया, कैसे हो? चलो चलो बाय बाय, ये बस इन लोगों की, बाय बाय। चलो अपनी जन यहाँ से कंटिन्यू करते हैं सोलो। चाय मंगा लिए भैया की शॉप से, चाय पियेंगे उसके बाद फिर जाएंगे आगे। इस होटल में रुके थे भैया के, द हिमालयाज ड्यूज, हिमालयन ड्यूज, अच्छा तो सब कुछ यहाँ पे रह सकते हो आप लोग भी। तो निकलते हैं यहाँ से अब। ओके भाई बाय। 15 मिनट ही रुका था और मैंने तुरंत अपना बैग उठा लिया क्योंकि वहाँ पर गाड़ी तैयार है और 6 लोग करीब हो गए, 7 लोग करीब हो गए, तो मैं गाड़ी पर बैग रख दूँगा। सीट भी तो चाहिए अपने को आगे वाली, व्यूज़ भी तो चाहिए, नज़ारे भी तो चाहिए। तो निकलते हैं, बैग ले लिया है वहीं पे, गाड़ी के अंदर बैग रखते हैं। 200 रुपये पर पर्सन चौपता का किराया है यहाँ से और 28 किलोमीटर समथिंग पड़ता है। और उसके बाद फिर सीधे हम निकल जाएंगे वहाँ से, या तो मंडल गांव या तो उसके आगे एक और गांव भैया ने बताया है, वो देखते हैं कहाँ है। तो 2 गांव है जो वहाँ से ट्रैक स्टार्ट होती है, तो वहीं पहुँच जाएंगे, अपने ट्रैक स्टार्ट कर देंगे आज ही। मे बी अगर 12 तक पहुँच गए, 12 बजे तक, तो मैं रुद्रनाथ आज ही स्टार्ट कर दूँगा, जैसा भी होगा बताते हैं। गाड़ी पे आके बैठ गए हैं, अब यही गाड़ी जाएगी थोड़ी देर में, अंकल जी जाएंगे साथ में। तो नाथ भी हम लोग यहाँ से स्टार्ट होती है ट्रैक जो हमने किया था, इसकी वीडियोस जो भी होंगे मैं डाल दूंगा, अभी तो नहीं जा रहा हूँ। मुझे गाड़ी यहाँ पे मिल गई है, ये यही जाएगी गोपेश्वर सागर, तो अभी देखते हैं कितनी देर में फुल होती है उसके आ जाएगी। तब तक यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ करूँ क्या यार, पर गाड़ी का बहुत नाटक होता है, ये लोग सीधे बहुत पैसा देते हैं। यहाँ से केवल 25 किलोमीटर है सागर, उसके ये लोग 500 रुपये लेंगे अभी बोला है इन्होंने, देखते हैं। चलो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, अब ये है सागर विलेज, सागर सॉरी जो भी है सागर,
यहाँ से एक ट्रैक स्टार्ट यहाँ से होती है 16 किलोमीटर की, जो कि गांव वाले लोग बेसिकली यूज़ करते हैं, मतलब कि ज़्यादा ये बनी हुई नहीं है ट्रैक, बाकी जो बेसिक जो वहाँ से आगे से स्टार्ट होती है। भैया के यहाँ पर रुक के अभी यहाँ पर नाश्ता वास्ता करते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे सीधे ट्रैक पर। अभी बजा 9:30, अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ, आराम से 10 किलोमीटर का स्ट्रेच करके जितना भी होगा उतना कर लेंगे आज, तो मिलते हैं फिर करके। ये मंगा लिया आलू का पराठा, इसको खाते हैं, चाय भैया दे रहे हैं, चाय पी के फिर निकलेंगे आगे। तब तक यार फ़ोन लगा दे रहा हूँ चार्जिंग पे। ऑल दी बेस्ट अगेन, थैंक यू। तो मैं यहाँ पे खाना ना खा चुका हूँ, पराठा आलू का और 60 रुपये का हुआ था। अंकल लोग भी जा रहे हैं अपना आगे नई यात्रा पर, अंकल लोग जा रहे हैं। चलिए ये एक यहाँ से देखो लिखा है 16 किलोमीटर यहाँ से जाता है, लेकिन मैं ये वाला नहीं करूँगा ट्रैक, मैं करूँगा आगे से जो थोड़ा सा यहाँ से आगे है। ये वाला ईजी है, आगे वाला डिफिकल्ट है, थोड़े से चैलेंजेस ले लेते हैं, आगे से करते हैं। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहे। भगवान गोपीनाथ की तपोस्थली में आपका हार्दिक स्वागत है। गोपेश्वर चमोली प्रवेश द्वार, हर हर महादेव। तो अब यहाँ पे एक ऑफिस है ऐसे वन विभाग का, यहाँ पे 150 रुपये की पर्ची कटेगी, जो कि मैंडेटरी है, अगर यहाँ नहीं कटेगी तो ऊपर कटेगी। और जो भी सामान आप साथ में लेके जाओगे, पन्नी से लेकर सब, तो यह नोट होगा और आपको सब कुछ वापस लेके आना है। तो ये चीज़ सोच लो कि अच्छे खासा सफाई वफाई का ध्यान है इस ट्रैक में, ऐसी ट्रैक है ये। देखते कहाँ से स्टार्ट हो रही है ट्रैक। मुझे समझ नहीं आ रहा, इधर ही से स्टार्ट तो नहीं हो रही है। चलो देखता हूँ कहाँ से स्टार्ट हो रही है। मैं गलती से थोड़ा आगे निकल आया था, ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होती है, ये देखो ऐसे यहाँ से ट्रैक स्टार्ट हो जाती है। चलो एक जा रहे हैं इन्हीं के साथ चलते हैं। ये रास्ता है और यहाँ ना बंदा है ना बंदे की जात है, मैं अकेला हूँ। अभी बोला था फॉरेस्ट वाले ने कि 2-3 लोग देहरादून वाले भी गए, कार इसलिए फूल रही है। तो सभी स्टार्ट किया है, थोड़ा टाइम लगता है 10 मिनट, और अभी यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है मेन बात। ओए क्या स्ट्रेट है यार, हर महादेव। चलो चलें, तकरीबन 2 किलोमीटर आ गए हूँ, एकदम ऐसा रास्ता है, वो है गांव जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, शायद पता नहीं वो है कि नहीं, पर बहुत टफ है, अभी तक बहुत टफ है। मतलब कि सीढ़ियाँ ऐसे ही सीढ़ी स्टार्टिंग से। चलो चढ़े फिर से, लेट्स गो आकाश, होगा तुमसे गौ माता आशीर्वाद दो कि हो जाए। चलो बिना रुके चलते हैं, तकरीबन 4.5 किलोमीटर का ट्रैक कर लिया है। रास्ते में कुछ लोग मिले थे जो कि मुझसे आधा घंटा दूर है, और कोई भी नहीं है यहाँ, मैं अकेला हूँ इस ट्रैक पे, अभी तक मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है, और ऐसे केवल जंगल है, जानवरों की आवाज़ आ रही है, मतलब कि पक्षियों की ये सब। और ट्रैक मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, स्टार्टिंग का भी बहुत डिफिकल्ट है, कहीं से भी इजी नहीं है ये। स्माइल करना है, कुछ नहीं होगा, हो जाएगा ये भी, बस थोड़ा सा अकेले हैं और कुछ क्या है, कुछ नहीं। चलो टेस्ट से चलते हैं, अब फिर से मारूंगा, अभी लंबा स्ट्रेच मारूंगा इस बार। भाई मुझे ऋषिकेश से मिला, ये यहीं का लोकल है, और हम लोग ने 5 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है, ये आ गया पहला बुग्याल, कितना सुंदर है यार। ट्रैक यहाँ तक डिफिकल्ट थी, मैंने बहुत बार बोल दिया मुझे पता है, लेकिन थी तो थी। ये होता है बुग्याल, देख सकते हो, वाह जन्नत है भाई।
थोड़ी देर यहाँ पे चिल करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। अभी थोड़ा सा स्टॉप लेंगे, अभी 10 मिनट तक के यहाँ पे रुके, ये सब लोग साथ में हैं। और यहाँ पे अब 10 मिनट रुकने के बाद यहाँ से अब निकल जा रहे हैं हम लोग वापस। अभी यहाँ पे पहला पुल मिला है हम लोगों को बहुत ही देर के बाद। ये पहला पुल है जिसको क्रॉस कर रहे हैं, बाकी सब लोग अच्छे से चल ले रहे हैं अब तो। क्वालिटी देता है भाई। एक सेकेंड, अभी करीब 7.5 किलोमीटर हम लोगों ने ट्रैक कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे एक हॉल्ट लिया है। यहाँ पे अब जाके हम लोगों ने हॉल्ट लिया है यहाँ पे कुछ खाने वाला, तो यहाँ पे सब भाई लोगों ने मैगी वगैरह खाई और कुछ तो था नहीं ज्यादा। चलो भाई लेट्स गो। देखो अरे शर्मा आ गया रे, तो ऐसे तो मत शर्मा भाई, तुमने तो लड़कियां फेल कर दी। तो चलो यहाँ से भी हम लोग ऊपर जा रहे हैं सीधे, और मौसम बहुत खराब हो गया, आंधी आ रही है। ये जो बुग्याल दिख रहा है यहाँ से बैठे थे हम लोग, अब इतना ऊपर आ गए हैं। वेट, अब देखो वहाँ था, यहाँ से वहाँ आ गए एक घंटे में, अब और ऊपर जाना है। बादल बहुत तेज गरज रहे हैं, पूरा बारिश का मौसम हो गया है, किसी भी समय बारिश हो सकती है। उधर पूरा बारिश हो रही है, दिख रहा है एकदम क्लियर दिख रहा है यहाँ से बारिश हो रही है, और पूरे में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। हम ये दो उधर हैं, एक मैं हो गया, दो लोग और नीचे आ रहे हैं, तीन लोग और नीचे आ रहे हैं, पर इतने लोग हैं पूरी ट्रैक में और कोई नहीं है। अब एक और स्टॉप दिख गया है ऊपर आके, वो यहाँ पे बारिश नहीं होती है, यहाँ ओले गिरते हैं बड़े बड़े। यहाँ पे देखो एलियंस आ गए हैं ओले में भीगते हुए। यार क्या हालत हो गई हो, आजा आजा आजा। यहाँ पे हम लोग सब लोग जादू बन चुके हैं सब ने, इधर तो वो चल रहा है कलर एक साथ, सब लोग एक साथ लेके आए लग रहा है पूरा। चलो जादू बन के अब यहाँ से निकलते हैं। मैं कैसा लग रहा हूँ मुझे भी नहीं पता है, मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ अपने आप को मैं कैसा लग रहा हूँ। चलो आगे चलता हूँ। यहाँ समझ नहीं आ रहा है, बादल इतनी ज़ोरों से हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं, और अब जाके पूरे 3 घंटे के ट्रैक करने के बाद अब बारिश रुकी है। 3 घंटा मैंने इस हालत में ट्रैक किया है, अरे बादल बहुत स्पीड से आ रहे हैं पास। काश मैं यहाँ पर रुक के टाइम लैप्स बना पाता इसका, बट आई कांट, मैं बट टाइम नहीं इतना। हम लोग आ गए हैं कौन सी जगह है? बहुत से था कुछ नाम, जो भी नाम है कोई नाम था जी सर। तो यहाँ पे चाय हमने कर दी है, चाय और बिस्किट खाएंगे, बहुत तेज भूख लगी है यार। और अभी इसके ऊपर हम लोगों को कितना जाना है? 3 किलोमीटर और जाना है, उसका आज का स्टे वहीं होगा। अभी डिसाइड करेंगे सब लोग आ जाएंगे तो, बाकी हमारा इनका तो यही प्लान है कि 3 किलोमीटर ऊपर जाना चाहिए, कि आज जितना स्ट्रेच हो जाएगा ज़्यादा सही होगा। तो चलो चाय पीते हैं, आगे का बाद में दिखाएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये डिसीजन लिया है कि हम लोग यहीं पे स्टे करेंगे, क्योंकि ये बारिश कंटिन्यू हो रही है, यहाँ से 4 घंटे अभी ऊपर जाने में लग जाएंगे। ऊपर भैया नेक्स्ट स्टॉप कौन सा था? ऊपर जो नेक्स्ट वाला कौन सा है वो जो बेटी पनार, पनार पनार जाने में लग जाएंगे हम लोग को टाइम, क्योंकि बारिश हो रही है एकदम धीरे धीरे। तो भैया लोग के स्टे है यहाँ पे, भैया कौन सी जगह है ये? मोलीघर, मोलीघर पे यहीं पे रुकेंगे। भैया ने जो चाय बना के अभी पिलाई और मैगी खिलाई, दिल खुश हो गया। और सुबह सुबह हम लोग निकलेंगे, बाकी कल बताते रहेंगे। तो चलते हैं अपने रूम में पहले, मतलब रूम क्या अपने टेंट में चलते हैं और गरम गरम उसमें रुकते हैं। चलो हाँ, ये बारे में तो देखो यहाँ पे अभी हम लोग चिल करने के लिए खेल रहे हैं ऐसे नॉर्मल पत्ते, ये थोड़ी देर चिल करेंगे उसके बाद खाना ना खा के सो जाएंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक की गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।